इंपॉर्टेंट है टीजी का, तो थोड़ा सा याद रखना उसको, ठीक। टीजी क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका वाला पोर्शन है, तो उसको अच्छे से याद रखना। आज उसके अलावा दूसरा टॉपिक डालो, टिहरी गढ़वाल का प्रशासन, ठीक। टिहरी गढ़वाल, और अब हिस्ट्री के बाद एडमिनिस्ट्रेशन। हर जिले का पहले इतिहास ही पढ़ना, प्रत्येक जिले का इतिहास इंपॉर्टेंट होता नहीं है, टिहरी का होता है, अकेला प्रिंसली स्टेट था तो उसके बारे में पूरा एक लेक्चर किया। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा अगल बगल वालों से किसी से कॉपी का फुल नोट तैयार कर लेना। टिहरी गढ़वाल, इसका हिस्ट्री। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे आओ, प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देहरादून का प्रशासन इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि देहरादून में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इंपॉर्टेंट नगर पालिकाएं थी और नगर निगम भी ठीक ठाक थे। अब टिहरी में तो कोई नगर निगम है नहीं क्योंकि पहाड़ी जिला है, तो पहाड़ी जिलों में इतना ज्यादा पॉपुलेशन होना पॉसिबल है नहीं। यहाँ के प्रशासन में, क्योंकि जिले का प्रशासन देख रहे ना, तो जिले के प्रशासन में सबसे ऊपर तो जिला ही होता है ना। जैसे देश के प्रशासन में देश सबसे ऊपर है, प्रदेश के प्रशासन में राज्य सबसे ऊपर है, तो जिले में सबसे बड़ा कौन होगा? जिला होगा। जनरल कंडीशन में क्या होता है, जिलों के नीचे तहसीलें बनाई जाती है, वर्कलोड कम होता है ना। एक जिला, एक डीएम और पूरे जिले को देखो तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या कर देते, जिलों के नीचे तहसीलें बना देते हैं। और तहसीलों का काम अगर ज्यादा हो, इन पर लोड ज्यादा हो, तो कई बार क्या करते, इनके नीचे उप तहसीलें बना लेते। और पहले अंग्रेज रहते थे उत्तराखंड में, सब जानते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, उप तहसीलों के स्थान पर वो लोग बनाते थे परगना। और जब हमारा देश आजाद हो गया तो कई बार हमको ये लगा कि चलो जब काम अच्छा कर रहे हैं तो हटाएं क्यों, परगना भी ठीक है तो रहने दिया, कहीं कहीं पर हैं, कुछ कुछ खत्म कर दिए। जनरल कंडीशन में प्रत्येक जिले का प्रशासन कुछ इस प्रकार का होता है। टिहरी के मामले में जरा थोड़ा दो तीन पॉइंट आपको याद रखना। टिहरी जो है ना, मैप के हिसाब से देखोगे तो लगभग कुछ इस प्रकार का दिखता है मैप जो है। जिलों के मैप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, कुछ इस प्रकार का टिहरी हमको दिखाई देता है। टिहरी गढ़वाल के पश्चिम दिशा की तरफ आओगे, यहाँ एक जिला है, इसका नाम है देहरादून, सबको पता है, इस साइड को देहरादून जिला है इसका। और टिहरी गढ़वाल के उत्तर में आप जाओगे तो यहाँ पर जिला है उत्तरकाशी, इस साइड को अगर आप आओगे तो यहाँ जिला है रुद्रप्रयाग, है ना। रुद्रप्रयाग टिहरी से काट के बनाया है थोड़ा सा पोर्शन, और कुछ ऐसा हिस्सा है जो पौड़ी में आता है। तो कुल मिलाकर के टिहरी गढ़वाल एक ऐसा जिला है जो चार दिशा से, चार जिलों से घिरा हुआ है, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल। अब यहाँ पर ये जिला है ना बाकी जिलों की तरह नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ चीजें चेंज है, बाकी जिलों की तरह नहीं है। जैसे मान लो देहरादून है, तो देहरादून को हम सीधा दो हिस्सों में बांट दो, एक देहरादून का मैदानी भाग, एक जैसा है ना, एक जैसा पूरा मैदानी भाग, डोई वाला हो या करणपुर हो क्या फर्क पड़ता है, प्रेमनगर हो, एक जैसा ही है। तो एक मैदानी भाग, एक पर्वतीय, पूरा जोनसार बाबर इस प्रकार का है। यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें आपको समझनी है। टिहरी जिले का वो भाग जो देहरादून से दक्षिण में बॉर्डर बनाता है, ये वाला जो हिस्सा है, मतलब आप गए रायपुर, रायपुर को क्रॉस करो, मालदेवता को क्रॉस करो, ऊपर चलना स्टार्ट करो, आप पहुंच गए टिहरी। तो वो वाला जो हिस्सा है ना, इसको नाम बोलते हैं सकलाना। इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है, आते रहते हैं ना बार बार, सकलाना का विद्रोह कब हुआ, सकलाना में ये कब हुआ, तो इस जगह को बोलते हैं सकलाना, है ना। और देहरादून का जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, इससे टिहरी का जो पोर्शन जुड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं जौनपुर। तो अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इस जगह को जौनपुर कहते हैं। रुद्रप्रयाग से बॉर्डर बनाता हुआ जो अपर वाला हमारा जोन है, ये वाला, इसको नाम दिया जाता है बासर। एडमिनिस्ट्रेशन में ये कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे इतिहास में, ऐसे बहुत सारे आंदोलन होते, सकलाना का आंदोलन, बासर आएगा तब कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसको बोलते बासर। और अब टिहरी डैम बनने की वजह से उत्तरकाशी से बॉर्डर बनाता हुआ ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी थोड़ा सा पिछड़ गया है, बैकवर्ड हो गया है। लमगांव इसके अंदर आता है, प्रतापनगर इसके अंदर आता है, कुछ जगह है वहां पे। तो इस प्रकार से अगर आप टिहरी को देखोगे तो इस टिहरी में कुछ क्षेत्र बने हुए और बाकी का जो पोर्शन है वो अलग अलग नाम वहाँ के भी होंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम इस पे है कि जो ये सकलाना क्षेत्र है ना, ये कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, कृषि उत्पादकता है, देहरादून के पास है, तो ऑब्वियस है किसानों को फायदा हो रहा हो, इस जगह के किसान सीधा डायरेक्ट मंडी पहुंच सकते हैं। अगर कोई बासर में खेती कर रहा होगा तो क्या उसको इतना ईजी है देहरादून पहुंचना? नहीं, वो लोकल मार्केट में अपना सामान बेच देगा। तो इकोनॉमी अच्छा होगा सकलाना का या नहीं होगा, अर्थव्यवस्था अगर आप देखोगे तो सकलाना की अर्थव्यवस्था बाकी क्षेत्रों से अच्छी होगी। ऐसा ही जौनपुर है अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, यहाँ की कला संस्कृति विशिष्ट प्रकार की है। अगर आप बासर क्षेत्र में जाते हैं तो रुद्रप्रयाग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बिलंगना नदी का उद्गम वाला जो क्षेत्र है ना, बड़ा दुर्गम क्षेत्र, मतलब पूरा ग्रेट हिमालयन वाला जोन है। और अब टिहरी डैम बनने की वजह से यहाँ कुछ अलग परिस्थितियां आ गई और ये बाकी का पोर्शन ठीक ठाक पोर्शन है। बोलने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जब एक जिले में कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती, एक जिले में आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती, तब हम क्या करते हैं, जिले और तहसील के बीच में एक और प्रशासनिक इकाई बना देते हैं ताकि जिले का प्रशासन अच्छे से चले
और उस प्रशासनिक इकाई को बोला जाता है सब डिवीजन, वहां पर जो बैठता है ना उसको SDM बोलते हैं, फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जिले और तहसील के बीच प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक और प्रशासनिक इकाई बनाई जाती है और उसको बोलते हैं सब डिविजन, हिंदी में बोलते हैं उपखंड। हर जिले में नहीं होंगे लेकिन कुछ जिलों में जरूर होंगे। तो एक जिला है टिहरी गढ़वाल के अंदर, जिला तो एक ही ना, और पांच है उपखंड। ऐसा जरूरी नहीं, देहरादून में कितने थे उपखंड, थे ही नहीं, सब डिविजन थे ही नहीं, सीधे हमने क्या बनाई तहसील और ब्लॉक बना दिए। तो कभी कभी कुछ कुछ जिलों में प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमें सब डिविजन की आवश्यकता पड़ती है, उपखंड की आवश्यकता पड़ती है। टिहरी जिले के अंदर उपखंडों की संख्या कितनी है, 5। नीचे तहसीलें हैं 12 तहसील, नीचे परगने हैं 13 परगने, और उप तहसील वर्तमान में सिर्फ 2 है। तो प्रशासन के अंदर फटाफट से पॉइंट लिख लो, टिहरी गढ़वाल के अंदर ये स्थिति है वर्तमान की, चेंजअप होते रहते हैं। करंट में ध्यान दें, कभी कोई उप तहसील खत्म कर दी नहीं बना दी, कभी तहसील एक बढ़ा दी एक कम कर दी। तो पेपर में हमेशा एक बार फटाफट से रिवाइज करके चले जाना। हर जिले की एक वेबसाइट होती है वर्तमान में, तो आप किसी भी जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे सारे डाटा आपको मिल जाएंगे, पेपर से पहले एक बार ये काम जरूर करना। तो चलो टिहरी जिले के अंदर जिला बना दो एक, उपखंड जो है वो 5 है, तहसीलों की संख्या 12 है, उप तहसीलें 2 है, और परगने जो है टिहरी गढ़वाल के अंदर 13 है, परगनों की संख्या टिहरी गढ़वाल के अंदर 13 है। ठीक, इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा टिहरी जिले का प्रशासन बन रहा है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, कोई भी ऐसी तहसील नहीं कि जो उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उप तहसील परगना उपखंड कोई बड़ी बात। नगर पालिका नगर पंचायत दोनों 5-5 है, पंचायत भी 5 और नगर पालिका भी 5। ठीक, नगर निगम कोई है नहीं, पहाड़ी जिला है, नगर निगम तो बन नहीं सकता। चलो टिहरी जिले के प्रशासन में, टिहरी जिले के एडमिनिस्ट्रेशन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये पूरा आंकड़ा आपके पास बन गया। जिला उपखंड तहसील कुछ बचा, ब्लॉक विकास खंड। टिहरी जिले में विकास खंडों की संख्या 9 है, 9 विकास खंड। ठीक, 9 विकास खंड जो है वो टिहरी जिले में, टिहरी जिले में सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है तुम्हें, परगने, इसमें बड़े टॉप पे है टिहरी। इतने परगने किसी एक जगह पर होने थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो 13 परगने। ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना एडमिनिस्ट्रेशन को। टिहरी गढ़वाल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो नेक्स्ट होगा, पॉइंट लिखना, टिहरी गढ़वाल का भूगोल या फिर टिहरी गढ़वाल में ज्योग्राफी एंड टूरिज्म, भूगोल तथा पर्यटन। टिहरी गढ़वाल में भूगोल तथा पर्यटन, भूगोल तथा पर्यटन, जैसे पिछला वाला जिला किया वैसे ही इसको कवर करना, जैसे देहरादून किया वैसे ही टिहरी को करना, अलग से कुछ भी नहीं। तब टिहरी गढ़वाल के अंदर क्या होता है कि ये जो टिहरी गढ़वाल है इसमें आप जानते हो उत्तरकाशी से पहले एक नदी निकलती है, और उत्तरकाशी से निकलने वाली इस नदी का नाम क्या होता है, भागीरथी होता है। ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तब कहेंगे गोमुख से निकलती है। तो गोमुख वगैरह तो उत्तरकाशी जिले में पढ़ लेंगे ना, फिलहाल एक नदी आती है उस नदी का नाम भागीरथी होता है, और भागीरथी नदी में आकर के एक और नदी मिलती है, इस नदी को बोलते हैं भिलंगना। वास्तव में जो टिहरी था पुरानी टिहरी, वो पुरानी टिहरी जो है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के बीच में ही था। जहां पर भागीरथी और भिलंगना मिलती है आप जानते हैं इस जगह को क्या बोला जाता है, गणेश प्रयाग कहते हैं। और ये जो बीच का जोन है ना, यहाँ पर टिहरी होता पहले, आज नहीं, अब तो डूब गया, अब डैम यहाँ पर बना दिया, तब ये यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो एक नदी है भागीरथी, उधर की साइड एक नदी है भिलंगना, दोनों नदी आपस में जिस जगह को मिलती है ये पुरानी टिहरी था, इसको बोलते हैं गणेश प्रयाग। फिर देखो नदी गणेश प्रयाग से आगे चलती है, गणेश प्रयाग से आगे चलने के बाद नेक्स्ट स्टेशन जो इस नदी को मिलेगा वो देव प्रयाग है, सब लोग जानते होंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेशन है, इस जगह का नाम है देव प्रयाग। ठीक, देव प्रयाग में फिर इस नदी का नाम अलकनंदा, चमोली में पढ़ लेंगे अलकनंदा। ठीक, सतोपन से आने वाली दूसरी नदी मिली अलकनंदा। फिर देव प्रयाग के बाद जब नदी प्रवाहित होती है ना, रेड लाइन मतलब टिहरी गढ़वाल, जो मैं रेड लाइन बना रहा हूँ टिहरी गढ़वाल, देव प्रयाग के बाद कुछ दूरी तक ये नदी टिहरी गढ़वाल में हल्का फुल्का चलती है, और उसके तुरंत बाद नदी ब्लैक कलर मतलब पौड़ी कहाँ पहुंच जाती है, पौड़ी। अब ये पौड़ी में जाती है, फिर इसको नयार जैसी नदियां आकर के मिलती रहती है। तो देवप्रयाग के बाद आप आगे जाओगे तो ये पौड़ी गढ़वाल में चली गई, पौड़ी गढ़वाल में थोड़ा बहुत चलने के बाद ये नदी फिर टिहरी गढ़वाल में एंट्री करेगी। ये जो नदी है ना भागीरथी या गंगा, जो भी आप इसको नाम बोलोगे, टिहरी गढ़वाल में कैसे प्रवेश करेगी कि ये जब नदी ना नयार वाले रीजन से आते हुए ऋषिकेश में जब एंट्री करेगी, तो ऋषिकेश में जब लक्ष्मण झूला के आसपास में नदी प्रवाहित होती है ना, तो वो फिर टिहरी जिला हो जाता है। तो एक बार फिर से ये नदी वापस टिहरी, तो रेड लाइन का मतलब टिहरी है। ठीक,
और फिर रायवाला के आसपास में फिर टिहरी का बॉर्डर छोड़ के यह देहरादून में थोड़ा सा प्रवाहित होती है और देहरादून के बाद ये हरिद्वार में चली जाती है। ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास चैप्टर है गंगा नदी तंत्र, हमें तंत्र पढ़ने हैं आगे जाकर के, लेकिन बेसिकली थोड़ा बहुत समझ जाओ नदी गोमुख से निकलती है भागीरथी और फिर भिलंगना इसमें गणेश प्रयाग में, फिर ये टिहरी है रेड मतलब टिहरी और ये ब्लैक का मतलब ये बीच में थोड़ा जगह ऐसी है जब ये पौड़ी में जाती है, फिर टिहरी में आती है, फिर देहरादून का छोटा सा हिस्सा रायवाला के पास में और फिर हरिद्वार चली जाती है। तो ये वाला जो जोन पास में नदी फिर से वापस टिहरी गढ़वाल में आई, यहाँ पर इसमें दो नदियां आकर के मिलती है। पहली एक नदी इसको शिवपुरी के पास में मिलती है, शिवपुरी राफ्टिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर जो नदी इसको मिलती है इस नदी का नाम है हेवल नदी। हेवल में आपने किधर पढ़ा होगा तो याद होगा हेवल वन आंदोलन होते ना, हेवल घाटी का आंदोलन, तो हेवल घाटी का मतलब हेवल नदी की घाटी में, जैसे चिपको आंदोलन हुआ ना वनों को लेकर चिपको आंदोलन, ऐसे ही इतिहास में एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ हेवल घाटी आंदोलन, बाद में पढ़ेंगे उसको भी अभी। तो हेवल घाटी का मतलब कहाँ पर हेवल घाटी आंदोलन, टिहरी में, क्योंकि हेवल नदी कहाँ पर है टिहरी में, और कहाँ पर मिल जाती है। और फिर हेवल के बाद एक और जो मेन ऋषि के इसमें आकर के इसका नाम है चंद्रभागा, चंद्रभागा ये मसूरी की पहाड़ियों से होते हुए और ऋषिकेश में इसको मिल जाती है। ठीक, चलो यही टिका है पूरा ज्योग्राफी अपना। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिला और टिहरी गढ़वाल जिले में दो नदी, क्योंकि उत्तराखंड और स्पेशली गढ़वाल है तो गढ़वाल में तो गाढ़ होंगी होंगी, गाढ़ का मतलब नदियां होनी बहुत स्वाभाविक सी बात है, तो नदियों की संख्या ज्यादा होगी होगी। दो जो सबसे प्रमुख नदियां हैं टिहरी की वो भागीरथी और भिलंगना, दोनों में से भी एक चूज करनी हो तो मैं भिलंगना चूज करूंगा क्योंकि भागीरथी तो कई जिलों की नदी है ना, उत्तरकाशी टिहरी पौड़ी देहरादून हरिद्वार इतने जिलों में जाएगी, टिहरी जिले से ही शुरू हो रही है। टिहरी नदी कौन सी है, भिलंगना। अब तुम जानते हो जो नदी है भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तब आप कहेंगे खतलिंग नाम का एक ग्लेशियर, बड़ा फेमस ग्लेशियर है, इसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक, खतलिंग नाम के ग्लेशियर से, और कहाँ है खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल के अंदर ही है। खतलिंग ग्लेशियर के बारे में एक कथा प्रचलित है, एक मत प्रचलित है कि उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी उन्होंने इस ग्लेशियर को ढूंढ के निकाला था, ऐसा बोलते हैं ना, वो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले, खोज के निकाला का मतलब उन्होंने ये बता दिया दुनिया को कि जो आपकी भिलंगना नदी है वही खतलिंग नाम के ग्लेशियर से निकलती है, पहले नहीं पता था किसी को। ठीक, तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज कौन करता है, तो खोज करने वाला व्यक्ति है इंद्रमणि बडोनी, इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड का गांधी कहते हैं उनको। ठीक है, खोज किसने करी, तब आप कहेंगे इंद्रमणि बडोनी। और पूरा ज्योग्राफी खतलिंग के आसपास में फंसा हुआ है टिहरी का, इधर खतलिंग ग्लेशियर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखो बॉर्डर है यहाँ पे, ये एक बॉर्डर बन गया और ये जो बॉर्डर बन रहा है ना इस बॉर्डर के ऊपर काशी है, ये है ऊपर उत्तरकाशी और नीचे है टिहरी। ठीक, मतलब खतलिंग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है उत्तरकाशी, है ना, खतलिंग से पैदल पैदल भी चलेंगे ना तो पहुंच जाएंगे आराम से उत्तरकाशी के अंदर। और पूरा टिहरी गढ़वाल का जो ज्योग्राफी है वो इस खतलिंग के आसपास में फैला हुआ है। एक बात आपको याद रखना है, खतलिंग क्या है, तो क्या कहोगे, खतलिंग एक ग्लेशियर है, यहां पर एक शब्द है ग्लेशियर। अब दिमाग में प्रश्न आया ग्लेशियर किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ों को कहते हैं, पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ को ग्लेशियर नहीं कहते, पहाड़ पर बर्फ गिरी थोड़ी ग्लेशियर कहेंगे, ग्लेशियर क्या है, पूरा पहाड़ ही बर्फ होता है, अगर खुदाई करोगे तो बर्फ ही निकलेगी, मिट्टी नहीं निकलने की, ग्लेशियर को खुदाई करके मिट्टी थोड़ी निकलेगी। तब मान लो आपके पास एक पर्वत है, देखो ये पर्वत ऐसे करके एक पर्वत है, तो इस पर्वत के ऊपर जब बर्फ गिरेगी तो उसको ग्लेशियर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि पर्वत के ऊपर बर्फ एक लिमिटेड समय तक गिर सकती है ना, मान लो इसके ऊपर बर्फ गिरी, ऐसे करके बर्फ गिरी, जैसे जैसे बर्फ बढ़ेगी ऊपर की तरफ तो ये बर्फ इसकी ढाल की वजह से क्या होगी, स्लाइड होगी ना, फिसलेगी भी तो बर्फ, क्योंकि पहाड़ कैसा है, इसे ढालदार है, तो जब इसके ऊपर बर्फ गिरेगी तो इसके ऊपर गिरने वाली बर्फ क्या करेगी, स्लाइड होगी, और ऊपर से आ रही है तो बड़ी स्पीड से आती है ये बर्फ, और ये बर्फ क्या करती है, इस पहाड़ की इस ढाल के कारण कहीं दूर पर बर्फ का ढेर बना देती है ऐसे करके, और ये जो ढेर बनता है ना इसको बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर यहां पर बनता है पर्वत से थोड़ा सा दूर, समझ गए इस बात को, पर्वतों की ढाल के कारण ये पहाड़ है, ये पहाड़ ऐसा है इसके ऊपर बर्फ गिरी, जितनी भी गिरी नीचे स्लाइड हो रही है, थोड़ा स्पीड भी रहेगी तो थोड़ा आगे जाकर के सारी बर्फ इकट्ठी हो गई और अब पूरा पहाड़ किसका बन गया, बर्फ का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लेशियरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, पर्वत, यानी कि पर्वत होगा तो ही तो ग्लेशियर होंगे, बिना पर्वतों के तो ग्लेशियर नहीं बन सकता। देहरादून में बना ग्लेशियर, कभी बर्फ भी गिरा दो देहरादून में तो भी थोड़ी बनेगा, आएगा घाटी दब जाएगी कुछ समय के लिए, उसके बाद बर्फ साफ, सारी चीजें। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी, खोज नहीं, अब ये वाला पॉइंट जरा थोड़ा समझो कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी, तो खोज करने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि खोज के इसने भाई ने निकाला होगा,
इन्होंने क्या किया था ना, एक किताब लिखी थी 1973 में, उसका नाम था पृथक पर्वतीय राज्य। अब वो पृथक पर्वतीय राज्य में इन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि एक ग्लेशियर है खतलिंग नाम का, खोजा थोड़ी इसको, इसको क्या खोजना है ना, बात को पॉइंट को समझ रहे हो कि खतलिंग ग्लेशियर खोजने का मतलब तो ये होता है जैसे हम बोलते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, क्यों हुई खोज, क्योंकि खुदाई करी गई और अंदर से खोज निकाला, अरे भाई यहाँ तो पूरा शहर है, इसको क्या खोजना है, तो सदाबहार है, और जिसका गाँव होगा यहाँ पे वो डेली जाता था इधर, जिसका गांव यहाँ पे होगा वो तो डेली जा रहा खतलिंग ग्लेशियर में, क्या है भाई ये ग्लेशियर है, क्या नाम है खतलिंग ग्लेशियर, सबको पता है। खोज करने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान को किसी थीसिस पेपर में, रिसर्च पेपर में या न्यूज़पेपर में उसका उल्लेख करते तो उस व्यक्ति को बोलते खोज करता। जैसे नैनीताल के बारे में बड़े मत रहते ना कि नैनीताल की खोज किसने करी, पी बैरन ने करी, तो क्या पी बैरन से पहले नैनीताल नहीं था, पूरे मध्यकाल में त्रिलोकचंद ने महल बनाया, भीमताल का किला बनाया, युद्ध हुए इतने सारे, नैनीताल जिया रानी नैनीताल में रही, तो ऐसा नहीं कि खोजने का मतलब ये नहीं कि आपने खोज के निकाला होगा। इन्होंने किसी की पर्वतीय पृथक पर्वतीय राज्य वहां पर उन्होंने उल्लेख इस पर्वत का खतलिंग पर्वत का, तो तब जाकर के थोड़ा सा ये मत बन गया कि भाई खतलिंग पर्वत जो है वो इन्होंने ढूंढ के निकाला है। पॉइंट क्या था कि जब कभी भी आपके पास ग्लेशियर बनेंगे तो ग्लेशियरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, और यहाँ पर एक ग्लेशियर है और ग्लेशियर का नाम है खतलिंग, तो बहुत ऑब्वियस है जब ग्लेशियर खतलिंग है तो आसपास पर्वत होंगे, पर्वत तो होंगे होंगे तभी तो ये ग्लेशियर बना होगा। तो खतलिंग ग्लेशियर के रेंज में जो पर्वतमालाएं होती है उन पर्वतमालाओं में जो सबसे, ये सारे पर्वत टिहरी के, पहला जो पर्वत होता है इस पर्वत का नाम है जोगिन पर्वत, पहला पर्वतमाला जो टिहरी, ये पर्वतों के नाम है, कई बार पर्वत श्रेणियां आ जाती है ना, जोगिन पर्वत कहाँ है तो क्या कहेंगे जोगिन पर्वत, और यहाँ जितने भी पर्वत आएंगे सभी को जोगिन ग्रुप के पर्वत ही कहते हैं। ठीक, पहला जो पर्वत है टिहरी जिले के अंदर वो यहाँ पर है, उस पर्वत का नाम है जोगिन पर्वत। फिर देखो आप जोगिन के आगे चलोगे, जोगिन के ठीक बगल में है तो ये पूरा ग्रेट हिमालय, और इस ग्रेट हिमालय की जो दूसरी चोटी है जोगिन के बगल में इसका नाम है स्फटिक, यानी टिहरी गढ़वाल का दूसरा पर्वतमाला उसका नाम क्या होगा स्फटिक पर्वत। स्फटिक पर्वत कहाँ है तब आप कहेंगे ये भी टिहरी गढ़वाल के अंदर, जोगिन भी कहाँ है टिहरी गढ़वाल में, स्फटिक भी गढ़वाल। फिर आप चलोगे एक तीसरी चोटी है ऐसे करके बनी हुई, और इस तीसरी चोटी का नाम है बारताकौर, बारताकौर, तो ये बारताकौर पर्वत भी कहां पर आ गया उधर, ये सब खतलिंग ग्लेशियर के आसपास में पूरा का पूरा ज्योग्राफी बना हुआ है। जोगिन पर्वत श्रेणी, स्फटिक, बारताकौर, बी ए आर टी ए बारता के ए यू आर बारताकौर, और फिर बारताकौर से आप आगे चलोगे तो यहां पर एक पर्वत है जिसकी वजह से खतलिंग का निर्माण हुआ है, भाई इसी की बर्फ तो गिरती होगी ना नीचे, खतलिंग पर्वत को किसने बनाया होगा, इसी वाले ये खतलिंग ग्लेशियर जो है ना वो किसने बनाया होगा इस पर्वत, क्या जोगिन की बर्फ जाती होगी खतलिंग में, नहीं ना, तो ये जो खतलिंग ग्लेशियर है इसका निर्माण इसी पर्वत ने किया, महत्वपूर्ण पर्वत, इस पर्वत का नाम है विशोन पर्वत, विशोन पर्वत। पुराणों में ये माना गया है, पुराणों में जो पहले की जमाने की किताबें हैं ना, ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उनमें ये माना गया है कि अलकनंदा नदी विशोन पर्वत से निकलती, वहां खतलिंग नाम नहीं आता है ना, तो विशोन पर्वत खतलिंग ग्लेशियर के पास में ही एक पर्वत स्थित है, उसको नाम बोलते हैं विशोन पर्वत। तो ये यहाँ के बड़े बड़े पर्वत हैं, बाकी ग्रेट हिमालय नहीं है यहाँ पे, नीचे आओगे ना आप तो नीचे आकर के जो है इसकी पहाड़ की चोटियां कम हो जाती है। अब देखो जैसे जोगिन पर्वत से चलते 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 जैसे ये भागीरथी नदी घाटी के आसपास में आते तब इसके छोटे छोटे पर्वत होते हैं, जैसे नाम सुना होगा तुमने खैट पर्वत, ऐसा ना खैट पर्वत, तो खैट कोई ग्रेट हिमालयन पीक थोड़ी है, मध्य हिमालय की ठीक ठाक, मतलब ग्रेट और मध्य के बीच में, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है, मिडिल। तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला चल रही है ऐसे, यहां तक आती है पूरी पहाड़ ना, अब छोटे छोटे इन पर्वतों के अलग अलग नाम ऐसे चलते ये पहाड़ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद नहीं है, क्यों नहीं है, नदी आ गई बीच में, नदी आ गई तो नदी ने उस पहाड़ को तोड़ दिया, और फिर इधर जो आपका आज वाला शहर है नई टिहरी, और छोटा छोटा पहाड़ है हल्का फुल्का ना मध्य हिमालय, फिर इधर जाएंगे फिर मसूरी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो ग्रेट हिमालय वाला जो जोन है टिहरी में वो इधर वाला है, उसकी महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं कौन कौन सी है, जोगिन, स्फटिक, बारताकौर और चल अब पर्वत कौन सा, जोगिन नहीं, इसके जो ठीक ऊपर है ना उत्तरकाशी, मैं बना देता हूँ उत्तरकाशी वाले भी, कुछ और पर्वत है जो उत्तरकाशी टिहरी के अंदर है, जैसे यहां पर एक पर्वत है उसका नाम है थड़िया सागर, थड़िया सागर उत्तरकाशी और टिहरी के बीच में स्थित, और उत्तरकाशी टिहरी के बीच में स्थित सबसे महत्वपूर्ण पर्वत ये है, इसका नाम है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। ये कुछ पर्वत है जो कि उत्तरकाशी और टिहरी के बीच में विस्तृत, थड़िया सागर, कीर्ति स्तंभ। फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ थड़िया सागर कीर्ति स्तंभ को, ये हमारे पास चैप्टर है बाद में, अपने आप में डरो मत, इधर पर्वत का चैप्टर है, उधर सात पर्वत ही पढ़ने, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, और अभी यहाँ पर टिहरी का जो ज्योग्राफी बचा, तो ये बन रखा है। अब दूसरी बात समझो,
अब आप जो है इस जोगिन पर्वत के ऊपर जाएंगे, इधर इस वाले जोन में जाएंगे, तो यहां पर आपको घास के कुछ मैदान दिखाई देते हैं। घास के मैदानों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो घास का मैदान है टिहरी गढ़वाल के अंदर, थोड़ा सा पोर्शन उसका उत्तरकाशी में भी है, लेकिन जब पेपर में आता है तो पेपर में हमेशा टिहरी गढ़वाल ही लिखना। आपको पता होगा इस ग्लेशियर का नाम क्या होता है, पवाली कांठा, है ना। पहला जो ग्याल आपको टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलता है उसका नाम पवाली कांठ। जिसको ऐसे ग्राफ समझ नहीं आते वो अलग से लिख दिया करो, टिहरी गढ़वाल के पर्वत और चार नाम लिख देना, टिहरी गढ़वाल के भुग्याल, या घर में जाके करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक, रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहला एक भुग्याल आपको देखने को मिलता है, उस भुग्याल का नाम है पवाली कांठ। भुग्याल समझते ना, भुग्याल क्या होते हैं, घास के मैदान, है ना, घास के विस्तृत बहुत दूर दूर तक फैले हुए जो घास के मैदान होते उनको भुग्याल कहते हैं। तो ऐसा एक भुग्याल हमें देखने को मिलता है टिहरी में, उसका कांठ भुग्याल। और पवाली कांटा भुग्याल से आगे आप चलोगे तो फिर आपको एक और भुग्याल मिलेगा, इस भुग्याल का नाम, ये पूरी तरीके से टीरी में, इसका नाम है जोराई, जोराई का भुग्याल। दूसरा जो भुग्याल यहां पर देखने को मिलेगा उस भुग्याल का नाम है जोराई भुग्याल, टिहरी गढ़वाल में स्थित जो प्रमुख भुग्याल है। भुग्याल तो बहुत सारे होते हैं, तुम्हारे गांव में भी होंगे, अगर अपने गांव से टॉप में चले जाओ तो वनस्पति खत्म, छोटे मोटे घास के पौधे, वो भी एक प्रकार का भुग्याल है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है टिहरी में, जोराई भुग्याल, टिहरी, पवाली कांठा का भुग्याल भी कहा है टिहरी। अब छोटे छोटे कुछ ऐसे भुग्याल होते हैं जिनमें लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे खतलिंग ग्लेशियर है तो खतलिंग के आसपास में जो घास का मैदान होगा उसको बना देगा कल के दिन खतलिंग का भुग्याल, ठीक। लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनमें एक पवाली कांठा, दूसरे का नाम जोराई, और एक भुग्याल और है यहां पर, इस भुग्याल का नाम है खस्तोली भुग्याल, खस्तोली, ये लो खस्तोली का भुग्याल। तो खतलिंग ग्लेशियर के आसपास में ही टिहरी रियासत, रियासत तो नहीं अब टिहरी जिला हो गया, टिहरी जिले की पूरी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से ग्रेट हिमालयन वाली बन रही है। खतलिंग, बारतकोर, विशोन, स्फटिक और जोगिन जैसे पर्वतमाला है, और ऊपर से खस्तोली, पवाली कांठा और जोराई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भुग्याल है वो कौन सा है, पवाली कांठा, ये याद रखना। अभी किधर किधर ना पवाली कांठा लिख लेता है उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी में भी जाएगा, ये बात नहीं है, उत्तरकाशी में भी जाएगा, लेकिन इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो टिहरी में, और जाना भी है तो गुत्तू होके ही जाएंगे इधर, तो यहीं से एंट्री करते हैं। तो पवाली भुग्याल का भी नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, टिहरी गढ़वाल। चलो तो यहाँ पर ठीक ठाक बन गई स्थिति, खतलिंग ग्लेशियर, इंद्रमणि बडोनी ने ढूंढ के निकाल दिया ऐसा बोलते हैं, तो विष्णु पर्वत, ये सारी चीजें बन रही है। अब ये जो खतलिंग पर्वत है ना, इस खतलिंग ग्लेशियर को आप क्रॉस करेंगे तो यहां आपको टिहरी गढ़वाल के सबसे बेहतरीन चीजें दिखाई देंगी, और टिहरी गढ़वाल के ग्रेट हिमालयन जोन में जो सबसे बेहतरीन चीज होती है उनको हम लोग नाम देते ताल, है ना। जैसे कुमाऊं में सर्वाधिक ताल कहां पाए जाते हैं, नैनीताल, उधर गढ़वाल के अंदर चमोली उत्तरकाशी में खूब सारे ताल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेंसिटी अगर आप देखो, जल घनत्व देखोगे तो जल घनत्व आपको उनका सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई देगा, इतने ताल है बोलते हैं ना, इतने ताल है कि लोकल लैंग्वेज वाले को अगर पूछो ना, उधर वालों को पहले के जमाने पूछते होंगे टिहरी वालों को कि भाई कितने ताल है यहाँ, तो टिहरी वाले उस टाइम बोलते थे हजार ताल है, मतलब वही ना गांव वाला हजार, 10-15 भी होंगे तो हजार बोल देंगे उसको ना, हजार ताल है। तो हजार ताल है, तो खतली में नीचे बना रहा हूं, ऊपर है ये सारा का सारा ज्योग्राफी। पहला जो ताल आपको देखने को मिलता है उसका नाम क्या है, सहस्रताल, सहस्रताल, इधर खतलिंग ग्लेशियर के क्षेत्र में टिहरी गढ़वाल में। सहस्रताल कहाँ है, तब क्या कहेंगे, टिहरी गढ़वाल, सहस्रताल नाम ही है उसका, सहस्र का मतलब होता है हजार, तो बोले हजार ताल, हजार थोड़ी होते हैं ताल, गांव में बोल देते ना हजार ताल, ऐसे दो दो 300 रुपया अगर खर्चा होगा किसी दिन तो बोले लाखों खर्च हो गया ना, अगर कभी 100-150 2-3 हजार रुपये खर्च कर लिया बाजार में तो बस, तब फिर घर में बोलते लाखों रुपया खर्च हो गया, लाखों होते नहीं है, मतलब 2-3 हजार खर्च होते हैं उसी में बोल देते, या 10 हजार खर्च हो गए बोले लाखों, लाखों नहीं, ऐसे गांव वाला सहस्र है, सहस्र का मतलब कि बहुत सारे ताल है, इसलिए कहते हैं इसको सहस्र ताल। और जानते हो उत्तराखंड का सबसे बड़ा है, इसके तुलना में कोई ताल ही नहीं है, सबसे बड़ा ताल खतलिंग से ऊपर, ये जो बीच का गैप है ना यहाँ पर है ये ताल, जितने भी ताल बने हुए, ठीक। तो इस ताल का नाम होता है सहस्र ताल, टिहरी गढ़वाल के अंदर स्थित पहला ताल होता है, इसको बोलते हैं सहस्र ताल। और फिर आप सहस्र ताल से नीचे आएंगे तो फिर आपको दो ताल मिलते हैं, छोटे छोटे कटोरे की तरह बने हुए, नाम जानते होंगे महासर, इनका नाम होता है महासर ताल, ऐसे दो कटोरी नुमा आकृति वाले ताल होते हैं उनको नाम बोलते हैं महासर, है ना। एक नाग देवता था महासर नाग, उसके नाम पर ये ताल बना महासर। अच्छा, कभी पेपर में ऐसा है माहेश्वरी ताल, कभी ये आ जाए ना पेपर में माहेश्वरी ताल, तो आंसर होगा पिथौरागढ़, महासर माहेश्वरी में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, माहेश्वरी लिखा हो तो माहेश्वरी वाला ताल पिथौरागढ़, स्त्रीलिंग पिथौरागढ़, पुलिंग अपने पास टिहरी में, महासर ताल, और ऊपर वाले का नाम है सहस्र ताल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक है, ये ट्रैक भी है, 2017 में खतलिंग ट्रैक ही ट्रैक ऑफ द ईयर था ना, ट्रैक ऑफ द ईयर इसी को बनाया कि इस साल का सबसे बेहतरीन ट्रैक खतलिंग,
तो ट्रैक का मतलब होता है लोग घूमने जाते हैं इधर ना, तो घूमने जाते अगर किसी को जाना है तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है घुत्तू घनसाली से आगे, फिर घूमते घूमते वो लोग खतलिंग जाएंगे और खतलिंग से ही उधर उत्तरकाशी निकल जाएंगे। अगर उनको घूमना होगा उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे फिर? टिहरी से उत्तरकाशी जाना होगा तो कैसे जाएंगे? इन पहाड़ों के बीच में कुछ रास्ते बने होंगे ना, हाँ ये जो रास्ते बने होते हैं उन रास्तों को क्या बोलते हैं? दर्रे। जैसे देखो अगर आप इस ट्रैक पर हो, खतलिंग वाले ट्रैक पे हो, और खतलिंग वाले ट्रैक से अगर आपको जाना है उत्तरकाशी, तो खतलिंग से उत्तरकाशी जाने के लिए एक रास्ता है खतलिंग ग्लेशियर से ऐसे करके, ये दर्रा है, ये पास है, ये खतलिंग ग्लेशियर को सीधा कनेक्ट करता है। रुद्रगेरा नाम सुना है? रुद्रगेरा ग्लेशियर उत्तरकाशी का। तो इस खतलिंग ग्लेशियर से रुद्रगेरा ग्लेशियर जाने के लिए जो रास्ता है, रास्तों को पास बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं, इसका नाम है ऑर्डेनकॉल पास। ऑर्डेन उत्तरकाशी में है ये, यहाँ नहीं है, कहीं अलग पे लिखना या रहने दो, बाद में लिख देंगे, बस ऐसे याद रखना। ऑर्डेनकॉल नाम का पास, ऑर्डेनकॉल दर्रा टिहरी और उत्तरकाशी के बीच है। जैसे ऐसा आता है ना हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन सा है, तो ऐसी टिहरी लिख लो, क्या ज्यादा इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। टिहरी और उत्तरकाशी के बीच स्थित दर्रा, इस दर्रे का नाम है ऑर्डेनकॉल, AUDENCOL, ऑर्डेनकॉल पास। ऑर्डेनकॉल पास किस किसके बीच है? टिहरी उत्तराखंड। किसको किससे कनेक्ट करता है? खतलिंग ग्लेशियर को रुद्रगेरा हिमनद से, खतलिंग ग्लेशियर को रुद्रगेरा ग्लेशियर से कनेक्ट करने वाला पास ऑर्डेनकॉल है उत्तरकाशी में। ऑर्डेनकॉल टिहरी में नहीं है, ठीक। ऑर्डेनकॉल पास जो है उत्तरकाशी का वो पास है जो रुद्रगेरा ग्लेशियर को खतलिंग ग्लेशियर से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे इस ट्रैक पर जो है ना कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी आपको। दर्रा, फिर वहां से उधर निकल गए, फिर वहां निकल गए तो फिर माल, फिर वहां से जहां मर्जी जाना चाहो, रास्ते ही रास्ते अपने पास है ना ग्लेशियर में। हिमाचल जाना इधर को कट जाओ और चमोली आना है तो इस साइड को जा सकते हो। तो रुद्रगेरा ग्लेशियर को खतलिंग ग्लेशियर से जोड़ने वाला पास क्या नाम? अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है देखो, सहस्रताल और महासरताल, ये भी बड़ा फेमस ट्रैक है, उत्तराखंड का फेमस ट्रैक। और इसके बीच की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखो महासरताल और सहस्रताल के बीच में ऐसे संकरा सा एक रास्ता बना हुआ है, ऐसे पतला सा एक रास्ता बना हुआ है, कैसे समझो? ऐसे जैसे जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ ना, इतना ही चौड़ा रास्ता होगा, इस तरफ भी पूरे पहाड़ और इस साइड भी पहाड़, और एक पतला सा रास्ता है। अगर आपको जाना हो ना इस ट्रैक पर, तो इस ट्रैक पर एक पतला सा रास्ता पड़ता है, और उस रास्ते में जैसे पिक्चर में होता ना साउथ वाली पिक्चर में, तो वैसे ही साउथ वाली पिक्चर की तरफ इधर भी पूरा घाटी, इधर भी घाटी, और बीच में ऐसा पहाड़ है बना हुआ, ऐसा इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला ऐसे। तो यहाँ से आपको अगर जाना है तो आप चले गए यहाँ पे, लेकिन भाई ये पतला है ऐसा, थोड़ा लेफ्ट राइट हुए तो चित्ता 108 भी नहीं आएगा इधर, फिर तो थोड़ा सा इधर हुए तो खत्म, फिर सीधा पतला सा रास्ता। तो इससे इधर जाने के लिए आप इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, ऐसे जाते हैं, मान्यता ये है, ऐसा माना ये जाता है यहाँ पे कि इस रास्ते पर कोई गया खतलिंग के ट्रैक पर कभी घूमने, खतलिंग वाले ट्रैक पर घूमने जाओगे तो इस पतला सा रास्ता मिलता है। और ऐसा मानते हैं कि इस रास्ते पर अगर आप जाना है ना उधर, तो जनरली क्या करते हैं, सर्दियों के समय पर या फिर जैसे आजकल का समय, आजकल लोग जाते हैं इस ट्रैक पर आर से पार, इसलिए आजकल कोहरा रहता है ना सर्दियों के समय, और कोहरे में पूरा कोहरा है, बस चलते रहना, लेफ्ट राइट मत होना किधर, सीधा सीधा चलो, और फिर आदमी उधर पहुंच जाता है। तो अच्छा लगता है इधर महासरताल से जब आप सहस्रताल की तरफ जाते हैं। इस सहस्रताल और महासरताल में ये माना जाता है कि जनरली एक आदमी, मैं तो नहीं जा पाया इस पे, मैंने बहुत कोशिश, डर लगी भाई भयंकर है ना, पतला सा रास्ता, गिर गए जो नीचे तो बड़ी दिक्कत है ना। तो ऐसा मानते हैं कि इस रास्ते से जनरली हम लोग तो नहीं जा सकते, देवता जा सकते, बोल भगवान जाता बोल यहाँ से वहाँ, तो हम भी जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये सहस्रताल जो है ना इसको बोलते हैं ट्रैक ऑफ द गॉड, भगवान का ट्रैक है, बोलिए ट्रैक ऑफ द गॉड किसे नाम दिया जाता है? सहस्रताल को, सहस्रताल को जो है ट्रैक ऑफ द गॉड का नाम दिया जाता है। ट्रैक ऑफ द गॉड किसे कहते हैं? सहस्रताल। तो महासर से सहस्रताल की तरफ आप जाओगे तो आप यहाँ पर ट्रैक ऑफ द गॉड, ट्रैक का मतलब समझ लो ट्रैकिंग जो होती है, तो ये जो ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे, ये भगवान सच में ही भगवान का है भाई, है ना, डर लगता है उस पर बहुत ज्यादा, इतना पतला सा संकरा रास्ता, और जो कि गिर गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसको नाम देते ट्रैक ऑफ द गॉड। तो यहाँ पर एक ताल है हमारा, उस ताल का नाम है सहस्रताल, नीचे आओगे तो दूसरा ताल है, उस ताल का नाम क्या है? महासर। और फिर इसके बाद छोटे 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 बहुत सारे ताल टिहरी गढ़वाल के अंदर, कौन कौन से ताल होते हैं देखो, पहला एक ताल है उसका नाम है दर्शन ताल, दर्शन ताल इसी क्षेत्र में, ये सब ये वाला है ना जो इस पोर्शन में, ये छोटे 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 ताल बने हुए, ठीक। एक ताल का नाम है सहस्र ताल, दूसरे का नाम है महासर ताल, एक और ताल है उस ताल का नाम है दर्शन ताल, एक बड़ा महत्वपूर्ण ताल ध्यान से लिखना, इसका नाम है दूधी ताल,
दूधी ताल ऐसा, और अगर लिखा होगा दुग्ध ताल तब आंसर होता है पौड़ी। कोई दिक्कतें आ जाए इस प्रकार की दिक्कत का मतलब हुड़दंग नहीं मचाने देते ना उधर, कभी कभी कोई लोग जाते हुड़दंग मचा देते हैं उधर। तो जनरल कंडीशन में हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है उस आर्ट एंड कल्चर में ये कहा गया कि आप ग्रेट हिमालयन जोन में हो तो हल्ला नहीं करोगे उधर, ज्यादा हो वाला नहीं करोगे, डीजे लगा उधर डांस कर रहे ऐसा नहीं चलेगा उधर ना, शांत वातावरण है उसको शांत रहने दो। उसको देवी देवता का क्षेत्र मानते हैं, तो इस क्षेत्र में ये माना जाता है जो अपना ये वाला क्षेत्र है ना, ये पूरी बेल्ट में देखो यहां से लेके और यहां तक, यहां पे खैट पर्वत है इस जगह पर, खैट पर्वत इस पूरे जोन में ये माना जाता है कि स्वर्ग से जो है ना अप्सराएं बोलते इधर आती है। अप्सराएं, अप्सराओं को हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में बोलते आंचरी, आंचरी ना बोला इधर स्वर्ग से अप्सराएं आती है तो इधर भी आती है। वो तो अप्सरा का मर्जी है किधर भी जाती ना, टीरी में ही आएगी क्या अप्सरा, कभी मन किया चमोली चलते तो चल जाओ, जो स्वर्ग से आ रही तो किधर कहीं भी लैंड कर लो, इधर चलो उधर चलो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ये तो थोड़ी कि टीरी वाल इधर ही अप्सरा, और उसको क्या पता कि ये बॉर्डर क्या चीज है ना, उसके लिए तो एक ही क्षेत्र है। तो टिहरी गढ़वाल में जो मान्यता ये है कि जहां पर आकर के अप्सराएं या फिर आंचरियां स्नान करती है उसको बोलते हैं अप्सरा ताल। ये ध्यान से समझना ये वाला लाइन, अप्सरा ताल कहां है, तब आप कहेंगे टीरी में। लोकल लैंग्वेज इसको बोलते हैं अप्सराओं ताल, अप्सराओं मतलब अप्सराओं का ताल है ना, तो अप्सरा ताल इसको बोलते हैं। अब ये जो अप्सरा ताल है लोकल लोग क्या बोलते हैं कि इस अप्सरा ताल के अंदर जो है स्नान करने के लिए आती आंचरियां, इसलिए इसको लोकल लोग आंचरियों का ताल भी कहते हैं, आंचरियों का ताल, आंचरियों का ताल भी कहते हैं। लेकिन ये दोनों बातें कहीं से भी इस चीज को प्रूफ नहीं करती है कि आंचरी ताल टिहरी में आ, आंचरी ताल चमोली में है, आंचरी ताल ये चमोली में, इस ताल का नाम तो अप्सरा है, वो आंचरियों का है वो बात अलग, लोग कहते हैं ना इसको आंचरियों का ताल। अगर प्रश्न मेरे को ये पूछा जाए कि आंचरी ताल कहां है, तो आंचरी ताल का आंसर मैंने चमोली ही देना है जब तक मुझे अप्सरा ताल ना पूछा जाए। टिहरी में भी आंचरियों का ताल है लेकिन नाम क्या है अप्सरा ताल, टिहरी गढ़वाल के अंदर जो ताल है इसका नाम अप्सरा ताल है और लोकल लोग इसको आंचरियों का ताल मान लेते हैं। ठीक, अप्सरा ताल लोकल लोगों के हिसाब से ये आंचरियों का ताल है। और नीचे आएंगे तो आंचरी वाला जो ताल है वो कहां पर है, चमोली गढ़वाल के अंदर। एक और है बोला आंचरी ताल भी बोला आजकल, चाह री ताल ये पिथौरागढ़ में। ठीक, आंचरी ताल बोले एक ये पिथौरागढ़ के अंदर है। ठीक, अप्सरा ताल, आंचरी और आंचरी ताल टिहरी गढ़वाल के, और तालों का क्षेत्र है तो पूरा ताल ही ताल मिलेंगे, सहस्र ताल। फिर एक ताल है उसका नाम है महासर ताल, फिर एक ताल है उसका नाम है दर्शन ताल, एक और ताल है दूधी ताल, और दुग्ध ताल का है पौड़ी, और एक ताल है अप्सरा ताल। अप्सरा आंचरियों का आप कहते हैं बात अलग है, लेकिन ताल का नाम अप्सरा ताल ही है। और आंचरी ताल, जिस ताल का नाम आंचरी ताल है वो चमोली में, और एक आंचरी ताल भी है वो आपका चौरागढ़ के अंदर। चलो और कोई ताल मिला, पर एक ताल और मिलेगा इसका नाम होगा लिंग ताल, लिंग ताल। एक और ताल है यम ताल, लेकिन यम ताल जो है ना रुद्रप्रयाग और टिहरी के बीच में, रुद्रप्रयाग और टिहरी के बॉर्डर पर या दोनों के बीच में। तो एक ताल है लिंग, ये भी टिहरी गढ़ के अंदर, और ये जो है यम ताल ये रुद्रप्रयाग और टिहरी के बीच स्थित ताल है। तो तालों का भूमि है इधर, बहुत सारे ताल आपको टिहरी में खतलिंग के आसपास में देखने को मिलेंगे। सबसे फेमस जो है वो सहस्त्र ताल है, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल। सहस्त्र के पास में एक और ताल है महासर ताल, दर्शन ताल, दूधी ताल, अप्सरा ताल, लिंग ताल, यम ताल। तो खैर डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है दोनों में, तो पर्टिकुलर टिहरी नहीं कह सकते, हो सकता है कभी आंसर रुद्रप्रयाग दे दे। तो बाकी के जो ताल है ये सारा का सारा ज्योग्राफी आपका कहाँ पर होता है, इस जगह पर ज्योग्राफी देखने को मिलता है खतलिंग के आसपास में। तो ये ग्रेट हिमालयन जोन है, पूरे टिहरी गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्रेट हिमालयन जोन खतलिंग ग्लेशियर, और उस खतलिंग ग्लेशियर से नदी कौन सी निकल रही है। चलो फिलहाल कुछ सालों से ये देखा गया है कि ये जो विलंगना नदी है ना, इस विलंगना नदी का जो उद्गम है खतलिंग वाला क्षेत्र, जो लोग यहाँ पर निवास करते हो थोड़ा बहुत दूर हो गए, आउट एरिया में हो गए, तो खतलिंग ग्लेशियर में इकोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है जलवायु का। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि वहाँ के ट्रैक में बर्फ एक दूसरे से दूर जा रही है, दरारें पड़ रही है। यहाँ के लोग भी सजग है, आपने एक आंदोलन सुना होगा उसको बोलते रक्षा सूत्र आंदोलन, वो सुरेश भाई ने रक्षा सूत्र आंदोलन पर किया। तो लोग भी बड़े सजग है, जनरल कंडीशन में डैम नहीं बनने देते, विलंगना नदी है कोई डैम बनाना चाहेगा तो नहीं बनने देते, क्योंकि विलंगना नदी के पर अगर डैम बना तो प्रभाव इस क्षेत्र के लोग पर होगा। फिर भी छोटी मोटी जल विद्युत परियोजनाएं तो मिली, तो विलंगना नदी पर बनने वाली पहली जल विद्युत परियोजना उसका नाम है विलंगना पावर प्रोजेक्ट, तो इसमें तो कोई याद करने का ही नहीं, विलंगना पावर प्रोजेक्ट टिहरी जिले के अंदर
एक पावर प्रोजेक्ट आपने इस नदी पर बनाया है और उस नदी का नाम है, नॉर्मल सी बात है, टेहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी पर एक पावर प्रोजेक्ट बना है, उसका नाम भिलंगना पावर प्रोजेक्ट है, भिलंगना जल विद्युत परियोजना 3-4-5 मेगावाट की, छोटा मोटा ना हल्का फुल्का बिजली उत्पादन कर देते हैं वहां। चलो अब भिलंगना नदी में नीचे आते हैं, खतलिंग से नीचे, खतलिंग से ऊपर जोगिन स्फटिक, बार्ताकोर और विशोन, चार पर्वत, ग्लेशियर सॉरी क्या बोलते हैं इनको, बुग्याल, खस्तोली, पवाली कांठा, जोराई और ताल, बहुत सारे सहस्र ताल, महासर ताल, ये ताल सारे ताल। फिर आप देखो भिलंगना से थोड़ा नीचे आओगे, अब इस भिलंगना नदी में आकर के नदी मिलती है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, जानते होंगे नाम ना, इसका नाम है बाल गंगा। भिलंगना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बाल गंगा, और बाल गंगा भिलंगना जहां आपस में एक दूसरे को मिलती है उस जगह को नाम बोलते हैं घनसाली। यहां पर एक मार्केट है, बाजार है छोटा सा, तो ये घनसाली जहां पर बाल गंगा नदी आकर के किसको मिल गई, भिलंगना नदी को मिल गई बाल गंगा। ये बाल गंगा जो है किसकी सहायक नदी हो जाएगी, भिलंगना की। तो बाल गंगा नदी है तो वहां पर जो लोग रहते हैं उसको बाल गंगा घाटी बोल देंगे, ठीक। और अब बाल गंगा की भी एक सहायक नदी है और इसका नाम है धर्म गंगा, धर्म गंगा। तो ये धर्म गंगा और बाल गंगा ये दोनों नदियां जहां पर आपस में एक दूसरे को मिलती है उस जगह को, वैसे तो थाती कठुड़ वहां का नाम है लेकिन वहां पर एक मंदिर है उसकी वजह से फेमस है, उसको क्या बोलते हैं, बूढ़ा केदार कहते हैं, बूढ़ा केदार। बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर स्थित मंदिर कौन सा है, बूढ़ा केदार, या बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम कहां पर होता है, बूढ़ा केदार में होता है, बूढ़ा केदार। ये जो नदी निकल रही है, नदी का नाम क्या है, भिलंगना, इस नदी को बोलते भिलंगना, ठीक, भिलंगना नाम की नदी। ये जो पूरा क्षेत्र है भिलंगना नदी के किनारे, जितना भी पूरा एरिया आपका भिलंगना नदी के किनारे ना, इस नदी का नाम भिलंगना ही क्यों बोला, बोला इसलिए बोला बल इसका नाम भिलंगना कि उत्तराखंड में सबसे पहले जब अर्जुन वगैरह आए थे ना पौराणिक काल में, पौराणिक मान्यताएं ये, जब अर्जुन पांडव लोग आते थे तो पांडव काल में इस क्षेत्र में एक जाति का निवास स्थान होता था और उस जाति का नाम था भिल्ल, और भिल्ल कोई और जाति नहीं थी, किरात जाति थी। तो नाम सुना तुमने कभी, किरात, पहले यहाँ कोल रहते थे, किरात आए थे, किरातों को इस क्षेत्र में भिल्ल कहा जाता था, भिल्ल, तो भिल्लों का क्षेत्र है इसलिए भिलंगना इस नदी को कहते हैं यहाँ पे। अब धर्म गंगा बूढ़ा केदार, धर्म गंगा बाल गंगा कहां पर मिल गई, तो जो किरातों के रीति रिवाज थे, भिल्लों के जो रीति रिवाज थे, वो रीति रिवाज आज भी यहाँ पर प्रचलन में, जैसे ये जो बूढ़ा केदार क्षेत्र है, इस बूढ़ा केदार में एक मेला आयोजित किया जाता है, इस मेले का नाम होता है बलिराज का मेला, बलिराज का मेला। अगर प्रश्न ये आता है बलिराज मेला, या इसको भद्रराज मेला भी कहते हैं, बलिराज का मतलब समझते हो, कृष्ण का भाई बलराम, उसकी याद में यहाँ पर एक मेला लगता है, उस मेले को नाम देते हैं बलिराज मेला या भद्रराज मेला, टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार में इस मेले का आयोजन किया जाता है, बलिराज मेला या फिर भद्रराज मेला। और इस क्षेत्र की दीपावली बड़ी प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में कुछ कॉमन दीपावलियां, एक तो नॉर्मल जो दिवाली होती है, एक उस दिवाली की 11 दिन के बाद दिवाली मनाते हैं, उसको बोलते हैं इगास, है ना, इगास तो नाम सुना होगा सबने, 11 दिन के बाद एक दिवाली मनाई जाती है उसको इगास बोलते हैं। एक दिवाली जौनसार में मनाते हैं, बूढ़ी दीपावली, महीने भर के बाद। ऐसे ही एक दिवाली यहाँ मनाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में मनाई जाने वाली दिवाली को बोलते हैं रिख, रिख दिवाली, रिख बगवाल, रिख दिवाली। ये कहाँ मनाई जाती, इसी क्षेत्र में, बूढ़ा केदार क्षेत्र में, मतलब टिहरीगढ़वाल के भिलंग घाटी में मनाई जाने वाली जो दिवाली है, जो बगवाल है, उसको नाम देते रिख दिवाली। तब बूढ़ा केदार के पास में जो है एक मेला लगा रहे, उस मेले का नाम है बलिराज मेला। बलिराज मेला के अलावा उस क्षेत्र में जो है दिवाली भी एक मना रहे हो, और उस दिवाली का नाम क्या है। चलो जी, अब जरा समझो, भिलंगना पर तो एक प्रोजेक्ट बन गया ऑलरेडी, भिलंगना पावर प्रोजेक्ट। अब बात बाल गंगा की आई, तो जिस स्थान पर ये धर्म गंगा और बाल गंगा नदियां मिलती है वो थाती कथुड़ का क्षेत्र है, थाती वहां पर एक जगह है। इससे थोड़ा सा आप आगे आओगे तो यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम है अंगूढ़ा गांव, कुछ किताबों में लिखा अंगूठा, कुछ सारी किताबों में लिखा अंगूठा, कोई लिख रहे अंगुल, गांव का नाम है अंगूढ़ा। यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम है अंगूढ़ा, और जहां संगम होता है उसके पास में एक जगह थाती। तो इन दोनों की सिंचाई सुविधाओं को चलाने के लिए यहाँ एक परियोजना चलाई गई है, अंगूढ़ा थाती परियोजना। बाल गंगा नदी पर ये एकमात्र सबसे बड़ी परियोजना है, अंगूढ़ा थाती परियोजना, नदी का नाम बाल गंगा, अंगूढ़ा थाती परियोजना। अंगूढ़ा थाती परियोजना किस नदी पर है, तो फिर नदी का नाम लिखना बाल गंगा नदी, टिहरी गढ़वाल योजना, बाल गंगा नदी टिहरी गढ़वाल, ठीक।
टिहरी गढ़वाल के अंदर। चलो ये नदियारी भिलंग ना फाइनली यहां पर मिलती है टिहरी में। ठीक, अब इस पर आते हैं थोड़ा, भागीरथी वाली नदी पर। भागीरथी वाली नदी पर अगर आओगे तो भागीरथी नदी तो उत्तरकाशी में ही खूब सारा प्रवाह इसका हो जाता है। और ये भागीरथी नदी में क्या थी, गोमुख यहाँ नहीं है, गोमुख यहाँ पे देखो, खतलिंग से आप ऊपर जाओगे तो ऊपर ही ऐसे ऐसे करके नदी आती, घूम फिर के इधर आ जाएगी। तो भागीरथी नदी जब टिहरी में प्रवेश करती है तो कुछ छोटी छोटी गाड़ मिलती है इसको, पिलंग गाड़, ये गाड़ है ना, जलंधरी गाड़, पिलंग गाड़, बहुत सारी गाड़ है, उन गाड़ छोड़ देते। भागीरथी नदी में टिहरी जिले के अंतर्गत आने वाली पहली नदी है, उसका नाम है जलकुर नदी, जलकुर गाड़ या फिर जलकुर नाम की नदी है ना, जलकुर गाड़ या फिर जलकुर नाम की नदी। भागीरथी में टिहरी गढ़वाल के अंदर एक नदी मिलती है, उस नदी को बोलते जलकुर। और ये जलकुर नदी जिन पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जिसका नाम है सेम मुखेम। ये जानते हैं सब, सेम मुखेम, जो सेम मुखेम है ना, यहां से एक नदी निकलती है जलकुर। इसी के बीच में फिर प्रतापनगर है, प्रतापनगर क्षेत्र के आसपास में एक नदी प्रवाहित होती है, नदी का नाम जलकुर है। कहां से निकलती है, सेम मुखेम के दक्षिणी प्रवण ढालों से। ऐसा नहीं कि सेम मुखेम मंदिर से निकल रही, दक्षिण प्रवण ढालों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम जलकुर है, जलकुर गाड़ भी आप कह सकते हो, इधर से निकलती। सेम मुखेम बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है ना। अच्छा, उत्तराखंड में चार धाम कितने हैं, कितने चार धाम है, चार ही है ना, चार धाम है तभी तो चार धाम बोलते, चार। और पांचवें धाम कई सारे हैं, जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं ये है पांचवा धाम, जौनसार वाले बोलते हैं हनोल है पांचवा धाम, कुमाऊं वाले बोलते हैं जागेश्वर है पांचवा धाम। वो लड़ाई चल रही, सरकार ने किसी को मान्यता नहीं दिया, अभी चार ही धाम है हमारे पास। तो इधर का पांचवा धाम ये है, पढ़ा होगा ना किताब में, बोलते सेम मुखेम को पांचवा धाम कहते, तो जागेश्वर को भी लिखा, बोले इसको पांचवा धाम कहते, हनोल लोकल लोगों की डिमांड है। इधर वाले कहते इसको पांचवा धाम बना दो, पांचवा धाम बना के फायदा है ना, टूरिज्म बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। तो सेम मुखेम नाम का यहाँ पर मंदिर है। और किस चीज का मंदिर है सेम मुखेम, नागराज का मंदिर ना, उधर एक जो है व्यक्ति रहता था गंगू रमूला, फिर कृष्ण आया था, जमीन नहीं दी, वो लंबी चौड़ी कहानी है तुमको कथा उधर की, चलो तो कथा वाले बाद में लगाएंगे पेपर के बाद आराम से। तो सेम मुखेम है, तो सेम मुखेम में मेला लगता है, सेम मुखेम का मेला हर तीन साल के बाद, तीन वर्ष के बाद जो है सेम मुखेम में मेला लगता है। मेले की जो तिथि है वो तो है मंगसीर की ग्यारह गते, ऐसे ही लगते हैं ना मेले तो, लेकिन जो मंगसीर की ग्यारह गते वो अप्रोक्स जो है तीन साल के बाद 26 तारीख को आ जाती है नवंबर में, इसलिए आप लिख सकते हैं सेम मुखेम का मेला जो है प्रति तीन वर्ष के बाद 26 नवंबर को आयोजित किया जाता है। 26 नवंबर को सेम मुखेम में सेम मुखेम महोत्सव या सेम मुखेम मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो सेम मुखेम से आने वाली जलकुर गाड़ नाम की नदी, अच्छा ये नदी नहीं होती तो यहाँ पानी नहीं था, फिर इस पूरे क्षेत्र में पानी नहीं था, नहर नहीं बनाते हो उधर, गांव में बनती नहर, ऊपर कैसे बनाओगे नहर, ये भागीरथी मतलब इधर और ये प्रतापनगर इधर, तो वहां कैसे ले जाओगे नहर, तो इस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था, इसकी वजह से हुआ। तब कई लोग क्या बोलते कि जो जलकुर गाड़ है वो प्रतापनगर की जीवन रेखा है, ऐसा कई लोग बोल देते, चलो छोड़ो उसको। तो सेम मुखेम नदी आई और जलकुर नदी आई सेम मुखेम से और कहाँ मिल गई, भागीरथी। अब भागीरथी में मिलने के बाद थोड़ा सा आगे आप जाओगे ना इन दोनों के संगम से, तो यहाँ पर बना है भारत का नंबर वन सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज, क्या नाम है, डोबरा चांठी पुल, डोबरा चांठी पुल किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर, भारत का नंबर वन है। किस मामले में नंबर वन है, सिंगल लेन है, डबल लेन नहीं, इधर गाड़ी आ रही तो इधर वाली गाड़ी नहीं आएगी, एक बार में एक ही गाड़ी जाएगी, सिंगल लेन, डबल लेन की बात नहीं कर रहे, डबल लेन में तो फिर भूपेन हजारिका जैसे बड़े बड़े पुल है हमारे पास, सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज मतलब जो तारों पर लटका हुआ है, ऐसा सबसे बड़ा पुल, भारत का सबसे बड़ा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज, सिंगल लेन का सस्पेंशन मोटर ब्रिज, गाड़ियां चल, ऐसा है सस्पेंशन है, झूला टाइप का पुल है डोबरा चांठी। इसका इनॉग्रेशन कब था, अभी कुछ दिन पहले ना, लास्ट इनोग्रेशन था मुख्यमंत्री जी का 9 नवंबर 2020 को। और क्या लंबाई है डोबरा चांठी पुल की, 725 मीटर है, 725 ऊंचाई 850 मीटर है, इसकी टीरी बांध से भी ऊपर चली गई, 725 मीटर लंबाई। और 9 नवंबर 2000 को इस पुल का किया गया था उद्घाटन, उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा सिंगल लेन सस्पेंशन मोटर पुल कौन सा है, तब आप कहेंगे सबसे बड़ा पुल ये है डोबरा चांठी। तो भागीरथी नदी के नीचे आओगे, चल फिर आप नीचे आए, नीचे आके दोनों नदियां मिल गई, ये कौन सी है, भिलंगना, और ये कौन सी है,
भागीरथी, तो भागीरथी और विलंगना दोनों आपको मिलेगी। तो फिर एक डैम यहां पर बना है, देखो 9 नवंबर 2020 को उद्घाटन, 125 मीटर लंबाई। अब जब दोनों नदियां मिल जाती है, भागीरथी और विलंगना, फिर आपने यहां पर बांध बनाया, सब लोग जानते हैं इस बांध का नाम, टिहरी बांध। ठीक, डोबरा चांटी पुल, फिर नीचे आओ गणेश प्रयाग के बाद टिहरी के ठीक आगे पर यहां पर एक बांध बना है, उस बांध का नाम क्या है, टिहरी बांध, सब जानते हैं। फिर इसी भागीरथी नदी पर टिहरी में एक और बांध बना है, क्या नाम होगा, कोटेश्वर, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, एक और बांध जो का नाम क्या है, कोटेश्वर। फिर नदी देवप्रयाग गई, और नदी जैसे ही देवप्रयाग चली जाएगी तो फिर अपना अब नाम क्या हो जाएगा, गंगा, है ना। टिहरी जिले में ऊपर से आओ डोबरा चांटी पुल, फिर नीचे आए टिहरी में, यहां बांध बना है टिहरी बांध, डिटेल कर लेंगे जल विद्युत परियोजनाओं में। फिर देवप्रयाग पहुंचे, देवप्रयाग के अंदर जो है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, फिर देवप्रयाग में नदी का नाम क्या हो गया, गंगा। और अभी जो ये थोड़ा सा मैंने रेड बनाया ना, तो इस गंगा नदी पर टिहरी जिले में एक जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम है कोटली भेल परियोजना, कोटली भेल जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर है, और किस जिले में है, कोटली भेल परियोजना नदी गंगा, जिला टिहरी गढ़वाल, पौड़ी मत ले जा लेना, कोटली, कोटली भेल जल विद्युत परियोजना। ये डैम है सारे, टिहरी डैम, कोटेश्वर डैम, कोटली भेल डैम, कोटली भेल बांध, भागीरथी मत करना, गंगा, क्योंकि देवप्रयाग के बाद नाम क्या हो गया, गंगा, तो गंगा नदी पर जिले का नाम क्या होगा। चलो ये बेहतरीन बांध इधर बनाए गए हैं, कोटली भेल, कोटेश्वर, टिहरी बांध, और बीच में जगह कौन सी है, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बारे में सारे लोग सब बातें जानते हैं, देवप्रयाग प्रसिद्ध स्थल है, किसने बनाया था बोले इसको, देव शर्मा ऋषि ने, फिर किसने कहा दधीची इंद्र की कहानी वहां जुड़ी हुई, कितने का राम का प्रसिद्ध स्थल था, कई बातें ना देवप्रयाग के बारे में, बहुत सारी बातें आती है देवप्रयाग के बारे में, तो लगभग तुम लोग जानते हो कि देवप्रयाग इंद्रप्रयाग भी कहते हैं, इंद्र की वजह से इस क्षेत्र को इंद्रप्रयाग नाम भी दिया जाता है। ठीक, कोई बड़ी बात देवप्रयाग, तीन चीजें फेमस है देवप्रयाग में, एक तुम्हें पता होगा देवप्रयाग में एक नक्षत्र वेधशाला, क्या नाम है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला, किस बोलते तारा सितारा देखने के लिए तो दूरबीन होनी चाहिए बड़ी ना, ऐसे दिख जाए मोबाइल का जूम करके थोड़ी दिखेगा, डीएसएलआर का जूम किया तारा सितारा थोड़ी दिखेगा, बड़ी बड़ी दूरबीन लगानी पड़ेगी ना, तो उसको नक्षत्र वेधशाला कहते। उत्तराखंड में हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है, देवप्रयाग, लिखना चाहो तो लिख लेना इसके अंदर, हिमालय नक्षत्र वेधशाला में 1946 के अंदर पंडित चक्रधर जोशी के द्वारा इस वेधशाला को स्थापित किया गया, 1946 ईस्वी के अंदर हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में पंडित चक्रधर जोशी, जुयाल मत करना, चक्रधर जुयाल गोली वाला था, वो बंदूक चलाया जो तिलाड़ियां, उसका नाम मत लिखना, चक्रधर जोशी के द्वारा ये नक्षत्र वेधशाला जो है यहाँ पर बनाई गई देवप्रयाग। चलो, और तो संगम हो रहा है देवप्रयाग में, और कुछ, एक मंदिर है देवप्रयाग में जानते सब, उसका नाम है रघुनाथ। अगर मंदिर का सिर्फ इतना हो रघुनाथ मंदिर, तो उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के रमाई क्षेत्र में रघुनाथ देवता है, तो उनका मंदिर है रघुनाथ मंदिर उत्तरकाशी में, और रघुनाथ घाट वो है देवप्रयाग में, और घाट भी बना रखा है राम लक्ष्मण सीता का, तब उसको बोलते हैं रघुनाथ घाट। घाट ना हो तो फिर आंसर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में भी रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ घाट का मंदिर जो है वो आपका अवर प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर देवप्रयाग का रघुनाथ घाट मंदिर, परमार वंशी राजाओं से कनेक्टेड है ना, परमार वंश के जो राजा होते थे ना गढ़वाल के राजा, बार बार दान दक्षिणा देने इस जगह पर पहुंच जाते थे, रघुनाथ घाट का मंदिर। देख लो दो तीन बातें रघुनाथ घाट मंदिर में, इस मंदिर का निर्माण 1835 में जम्मू कश्मीर के राजा जगत सिंह ने करवाया। इस मंदिर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हो रहा है 1835 में जम्मू कश्मीर के राजा जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ करवाया, इसको फिनिश किया 1890 में इसी के बेटे ने, जम्मू कश्मीर के नवाब गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह। रघुनाथ घाट मंदिर जो आज का हमारा रघुनाथ घाट मंदिर, वो 1835 में जम्मू कश्मीर के राजा जगत सिंह ने बनाना स्टार्ट किया, और उसको फिनिश किया गया 1890 में इसी के बेटे गुलाब सिंह के द्वारा। फिर 19वीं शताब्दी के आसपास आते आते मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया, और जीर्ण शीर्ण अवस्था के बाद इस रघुनाथ घाट मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, जीर्णोद्धार दौलत राव सिंधिया, हाँ दौलत राव सिंधिया जो आजकल है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी फैमिली वाले राजा थे जयपुर के राजा, तो आते रहते थे उत्तराखंड यात्राओं पे,
दौलतराव सिंधिया ने रघुनाथ घाट मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसको नया स्वरूप दिया, और फिर तो सरकारें करती रही समय समय पर, जब जिस सरकार का मन कर दिया उसने उसको उसके अकॉर्डिंग बना दिया। ठीक, चलो तो बेसिक ऊपर ऊपर वाला ज्योग्राफी कर दिया, फिर बाकी वाला जो ज्योग्राफी पोर्शन है उसको कल करते, एक बार फटाफट रिवाइज करना। नदियां दो है, भागीरथी भिलंगना, भिलंगना नदी कहां से निकल रही है, कतलिंग, वहां कुछ पर्वत है, विशोन बार्ताकोर स्फटिक जोगिन, ऊपर कुछ ग्लेशियर, ये बुग्याल कस्तोली पमाली काठा जोराई, और ताल तो बहुत सारे, सहस्त्र ताल, लिंग ताल, यम ताल, बहुत सारे ताल। चलो फिर नदी नीचे आई, यहाँ पर एक परियोजना है, अंगुड़ा थाती परियोजना, बाल गंगा नदी पर टिहरी गढ़वाल के अंदर, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं, बूढ़ा केदार दो नदियां मिलती है, वहां एक मेला लगता है, भद्रराज को रिक दीपावली जो भी कह सकते हो। इधर साइड जलकुर नदी है, नीचे डोबरा चाटी ब्रिज है, टिहरी बांध है, फिर कोटेश्वर डैम है, कोटली भेल परियोजना को याद रखना, कोटली भेल परियोजना जो है किस नदी पर है, गंगा नदी पर, देवप्रयाग के पास में, मतलब जिला कौन सा आएगा, टिहरीगढ़। चलो हिमालय नक्षत्र वेधशाला 1946 और एक रघुनाथ घाट का मंदिर, तो बाकी का टिहरी करते।